म्यूजिक भाव बड़ा सुंदर लिख रहा, कौन तर्जमा? मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि सब बढ़िया को बैलेंस मैंने फाइनली आप लोगों के लिए फिर से न्यू हिंदी सॉन्ग पर न्यू स्टाइल के साथ डीजे व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आ चुका फ्रेंड्स। अगर आप भी कुछ इस प्रकार का न्यू स्टाइल के साथ डीजे व्हाट्सएप स्टेटस है कमाल का सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना, फ्रेंड्स ए टू जेड सेटिंग बताने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एडिटिंग हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह के वीडियो एडिटिंग करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई ऐप एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा फ्रेंड्स। जिस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर, को अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ओपन कर लेना फ्रेंड्स। उसके बाद जो वीडियो का प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताते अपने जो भी भाई मेरे चैनल पर नए नए विजिट किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलो आज की वीडियो एडिटिंग हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने के लिए को सबसे पहले अपने मोबाइल में जो काइन मास्टर डाउन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इंटरफेस से कुछ इस प्रकार दिखेगा। दिखने के बाद में क्या करना तो देख लीजिए। आपको सबसे पहले करेक्ट न्यू पे क्लिक करना, नया रिसोर्स टेन सेलेक्ट करना, करेक्ट पे क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। दिखने के बाद में क्या करना, सबसे पहले अपना गैलरी से आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं फाइनली अपना गैलरी से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद में फ़ोटो के स्टार्ट पोजीशन में आ जाना। आ जाने के बाद में फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करना। उसके बाद बेसिक पे क्लिक कर देना। फिर बेसिक पे क्लिक कर देने के बाद फिर क्या करना, यहाँ पे जो सेकंड नंबर इफेक्ट है इसको ऐड कर लेना। ऐड हो जाने के बाद फिर उसके बाद को लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद फिर अपना गैलरी से आपको यहाँ से एक वीडियो क्लिप ऐड कर लेना, एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो। इसको ऐड कर लेने के बाद फिर जहाँ तक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का ड्यूरेशन हो तो फोटो का ड्यूरेशन लगना स्टॉप वॉच है, उसको कट लगा देना। कट लगा देने के बाद जो वीडियो क्लिप है इस पर क्लिक करना, इसको नीचे ना स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना, यहाँ से व्हाइट कलर के बॉक्स पर क्लिक कर देना आपको, और यहाँ से डन कर देना। डन हो जाने के बाद में उस पर क्लिक करना, फिर से जो लेयर लिए थे क्लिक करने का, उसको नीचे आना। नीचे आने के बाद मैंने क्रोमा की ऑप्शन पे क्लिक करना, इसको यहाँ से इनेबल कर देना। यहाँ की कलर पे को ब्लू कलर जो डी सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके से क्या होगा, उसका जो फोटो में जो ब्लू कलर अगर रिमूव हो जाएगा उसके बाद इस तरह का इफेक्ट ऐड हो जाएगा। हो जाने के बाद फिर इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने और दो वीडियो एक्सपोर्ट करना जो अलग सा है, तो कैसे एक्सपोर्ट करना उसको भी फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पर दिल थाम के बैठ जाइए। इसको एक्सपोर्ट कर लेने के बाद मैंने क्या करना, नीचे वाला जो वीडियो है इसको डिलीट कर देना है। इस फोटो का जो फिल्टर किए थे कलर फिल्टर को भी यहाँ से नन कर देना है, और इसको फोटो पे क्लिक करना, अपना रिप्लेस के ऑप्शन पे आ जाना, और फिर से अपना गैलरी से यहाँ से एक फोटो को फिर से फाइनली सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट हो जाने के बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से और एक वीडियो क्लिप मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ मेरा वीडियो क्लिप कहाँ है फ्रेंड्स। तो ये मेरा वीडियो क्लिप रहा है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हो जाने के बाद मैं थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम हो जाने के बाद मैं क्या करना, आपको जहाँ तक फोटो का ड्यूरेशन वहाँ तक रखना है, इसका एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसको कट लगा देना। कट लगा देने के बाद फिर फेस पे क्लिक करना, जो लेयर लिए थे स्प्रेड स्क्रीन पे क्लिक करके व्हाइट कलर के बॉक्स पे क्लिक करना, डन करना। फिर से जो लेयर वीडियो उस पर क्लिक करना, उसको नीचे आना, इसका जो क्रोमा की है इनेबल कर लेना। यहाँ पे को ब्लू कलर यहाँ को इस वाला कलर को सिलेक्ट कर लेना। इसमें क्या इस तरह का जो इफेक्ट होगा फोटो में ऐड होकर दिखेगा। इस तरह से फ्रेंड्स सेम इसी तरह से और एक वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना इस इफेक्ट में। तो दो वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, राउंड वाला जो इफेक्ट है उसमें एक वीडियो एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद फिर क्या करना, उसमें बैक आ जाना, उसमें सॉन्ग बीट मार के इम्पोर्ट करना। इम्पोर्ट कर लेने के बाद फिर उसको यहाँ से ओपन कर लेना। जैसे मैं इम्पोर्ट को ओपन कर लेता हूँ, ओपन कर लेने के बाद इंटरफेस है कुछ इस प्रकार दिखेगा। दिखने के बाद मैं क्या करना, दोनों की मदद से सबसे पहले को जूम कर लेना है। जैसे मैं जूम कर लूँगा, जूम हो जाने के बाद फर्स्ट ब्लैक का बटन क्लिक करना, रिप्लेस का ऑप्शन आ जाना फ्रेंड्स, को नीचे आना और यहाँ से अपना गैलरी से फोटो रिप्लेस कर लेना है। फिर से को सेकंड ब्लैक के बटन पे क्लिक करना, रिप्लेस का ऑप्शन आ जाना फ्रेंड्स, फिर से अपना गैलरी से यहाँ से और एक फोटो रिप्लेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जितना भी ब्लैक का बैकग्राउंड समय को फोटो रिप्लेस कर लेना, तो फटाफट से रिप्लेस कर लेना फ्रेंड्स, जो मैं ट्यूटोरियल में आपको बता दे रहा हूँ। उसके देखो इसके इसके बाद से फोटो में रिप्लेस कर लोगे इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है कुछ इस तरह से। उसके नीचे फ्रेंड्स येलो कलर का बैकग्राउंड है, येलो कलर का बैकग्राउंड पे क्लिक करना, उसका स्टार्ट पोजीशन में आ जाना। आपको आ जाने के बाद में क्या करना, येलो कलर का बैकग्राउंड को यहाँ से डिलीट कर देना है।
उसके बाद लेयर पे क्लिक करना फ्रेंड्स, मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना, जो भी राउंड वाला वीडियो एक्सपोर्ट किया तो उस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जैसे वाला वीडियो एक्सपोर्ट किया तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर कुछ इस तरह से आ जाना, इसको नीचे आना फ्रेंड्स, स्प्रेड स्क्रीन पर क्लिक करना, इसको यहाँ से फिल कर लेना, मतलब व्हाइट कलर के बॉक्स पर क्लिक करना, डन करना। डाउन हो जाने के बाद हमें लेयर लिए थे वीडियो पे क्लिक करना, उसको अगर नीचे आना। नीचे आने के बाद से मिलेगा क्रोमा की ऑप्शन पे क्लिक करना, ऐसे इनेबल कर देना और यहाँ की कलर पे को यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करना, यहाँ से डन कर देना। उसमें क्या आपका जो फोटो में फ्रेंड्स कुछ इस तरह का जो इफेक्ट ऐड होकर दिखा जो कि काफ़ी कमाल और बेहतरीन लगेगा। उसके बाद थोड़ा क्या जाना फिर से ब्लैक के बटन पर क्लिक करना, रिप्लेस का ऑप्शन आ जाना फ्रेंड्स। फिर से अपना गैलरी से यहाँ से को और एक फोटो रिप्लेस कर लेना। जैसे मैं डबल इस फोटो को रिप्लेस कर लिया हूँ तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे इस वाला फोटो को रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद इसका स्टार्ट पोजीशन में रहना अपना, जो येलो कलर का बैकग्राउंड इसको डिलीट कर देना है। फिर से लेयर पे क्लिक करना, मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करना अपना, सभी जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को एक बार सेलेक्ट कर लेना है। इसका ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा उसको कुछ इस तरह से कम कर देना है और उस लेयर पे क्लिक करना, उसको नीचे ना स्प्लिट स्क्रीन करके इसको फिल स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना और डन करना। फिर से लेयर पे क्लिक करना, उसको नीचे आना। नीचे ना क्रोमा की ऑप्शन दिखेगा, इसको यहाँ से इनेबल कर देना। आप ग्रीन की कलर पे ग्रीन कलर सेलेक्ट करना होगा। फोटो में पर कुछ इस तरह का जो इफेक्ट ऐड होकर दिखे जो काफ़ी कमाल लगेगा। उसके बाद जो ब्लैक का बैकग्राउंड आज क्लिक करना, रिप्लेस का ऑप्शन आ जाना फ्रेंड्स। फिर से अपना गैलरी से यहाँ से फोटो रिप्लेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स जितना भी ब्लैक का बैकग्राउंड समय फोटो को रिप्लेस कर लेना है, इधर वो फोटो रिप्लेस कर लेना फ्रेंड्स। समय फोटो रिप्लेस कर लोगे इधर जितना भी ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है। उसके बाद थोड़ा आगे आ जाना। आ जाने के बाद में फिर से येलो कलर बैकग्राउंड देखो, ऊपर वाला जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर, उसको क्लिक करना, रिप्लेस को आ जाना, उसको नीचे आना और फिर से अपना गैलरी से यहाँ से एक फोटो को रिप्लेस कर लेना। फोटो रिप्लेस हो जाने के बाद स्टार्ट पोजिशन में आ जाना, जो येलो कलर का बैकग्राउंड है इसको डिलीट कर देना। लेयर पर क्लिक करना फ्रेंड्स, मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ से अपना जो एक्सपोर्ट फोल्डर में आ जाना। आ जाने के बाद से यहाँ से और एक वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं एक्सपोर्ट फोल्डर पे आ जाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से मैं एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लेता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स फाइंड कर लेता हूँ मेरा वीडियो क्लिप कहाँ पे है। जैसे कि ये रहा, मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो जाने के बाद इसका ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा तो इसको इस फोटो तक ही रखना सीमित। उससे एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट लगा देना। फिर से स्प्रेड स्क्रीन करके यहाँ से व्हाइट कलर के बॉक्स पर क्लिक करना, फिर से उस पर क्लिक करना फिर डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना, क्रोमा की पे जाना, इनेबल कर देना, यहाँ से वो ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना। आपका फोटो में कुछ इस तरह का जो इफेक्ट ऐड होकर दिखे तो काफ़ी कमाल लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ब्लैक का बैकग्राउंड इसमें फोटो रिप्लेस कर लेना। तो फाइनली फ्रेंड्स तो फोटो रिप्लेस कर लेना आपको। उसके बाद रेड कलर का बैकग्राउंड दिखा, इस पर क्लिक करना, रिप्लेस का ऑप्शन आ जाना फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो क्लिप को रिप्लेस कर लेना। जैसे कि मैं वीडियो क्लिप को रिप्लेस कर लेता हूँ तो इस तरह से को रिप्लेस कर लें। उसके बाद ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है तो सबसे पहले मैं फर्स्ट तरफ आ जाता हूँ फ्रेंड्स। जितना भी ब्लैक का बैकग्राउंड है सब मैं फोटो रिप्लेस कर लेता हूँ। उसके बाद वीडियो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो चलो मैं फोटो फटाफट से रिप्लेस कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने फाइनली देखो फोटो सॉन्ग के लास्ट तक रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस हो जाने के बाद उसको डन करना। सबसे पहले फर्स्ट तरफ आ जाना इफेक्ट ऐड करने के लिए। जैसे मैं फर्स्ट तरफ आ जाता हूँ, फर्स्ट तरफ आ जाने के इफेक्ट कैसे ऐड करना देखिए। जो फर्स्ट फोटो इस पर क्लिक करना, उसके बाद वो क्लिपग्राफी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना, उसको नीचे आना। नीचे आने के बाद फिर मेरे को ऑप्शन मिलेगा वो स्वीट लाइट का, इस पर क्लिक करना और यहाँ से जो 9th नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना। ये जो स्वीट लाइट का 9th नंबर इफेक्ट फर्स्ट के दो फोटो में फाइनली को फिल कर लेना है। जैसे कि मैं स्वीट लाइट का 9th नंबर इफेक्ट फर्स्ट के दो फोटो में फिल कर लेता हूँ। उसके बाद इस पर ऑलरेडी इफेक्ट मैंने ऐड कर दिया हूँ, उसका और एक वीडियो में इफेक्ट ऐड कर दिया। उसके बाद जो फोटो आ रहा है उस फोटो पे क्लिक करना, क्लिपग्राफी पे जाना, उसको नीचे आना। नीचे आने के बाद सुनने मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे इन एनिमेशन का, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सुनने क्या करना, यहाँ से जो 5 नंबर इफेक्ट इसको ऐड कर देना है। फिर सेकंड फोटो पर क्लिक करना, क्लिपग्राफी पे जाना, उसको नीचे आना। फिर से जाना को इन एनिमेशन के ऑप्शन पर। जैसे कि मैं इन एनिमेशन के ऑप्शन पर आ जाता हूँ फ्रेंड्स, तो मेरा इन एनिमेशन का ऑप्शन कहाँ पे देख लो ये रहा, तो इसमें भी 5 नंबर इफेक्ट ऐड कर देना है। और उसके बाद जो फोटो का फ्रेंड्स दो फोटो में इन एनिमेशन 5 नंबर इफेक्ट ऐड करने के बाद जो फोटो का क्लिक करना, क्लिपग्राफी पे जाना, उसको नीचे आना। नीचे आने के बाद हॉलीवुड पार्टी के ऑप्शन पर जाना फ्रेंड्स, और हॉलीवुड पार्टी के नहीं जाना तो ओल्ड फिंग के ऑप्शन पर आ जाना, जो फर्स्ट नंबर इफेक्ट इसको ऐड कर देना है। उसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, फिर से सेकंड फोटो पे क्लिक करना, क्लिपग्राफी पे जाना, उसको नीचे आना। नीचे आने के बाद जाना इन एनिमेशन के ऑप्शन पे और यहाँ से जो 5 नंबर इफेक्ट ऐड करना है, इसमें अपने जो इन एनिमेशन का जो 5 नंबर इफेक्ट है वो फाइनली 3 फोटो में ऐड कर लेना है। उसके बाद 3 फोटो के बाद जो फोटो आएगा फ्रेंड्स उसमें ओल्ड फिंका को फर्स्ट नंबर इफेक्ट ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं 3 फोटो में ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद जो फोटो आ रहा है उसमें क्लिक करता हूँ, उसमें हॉलीवुड पार्टी का नहीं फ्रेंड्स, इसमें ओल्ड फिंका फर्स्ट नंबर इफेक्ट है मैं ऐड कर लेता हूँ। इसे ऐड करना, फिर से को तीन फोटो में इन एनिमेशन का 5 नंबर इफेक्ट ऐड करना। उसके बाद जो 3 फोटो के बाद जो 4th नंबर फोटो आएगा उसमें आपको ओल्ड फिंग का फर्स्ट नंबर इफेक्ट ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद फिर क्या करना, उसके बाद फिर से 3 फोटो में आपको
एनिमेशन का एनिमेशन का जो 5 नंबर इफेक्ट है इसको ऐड कर देना। उसके बाद उसमें दो फोटो का डिस्टेंस कम रहेगा तो फोटो पे क्लिक करना, क्लिकग्राफी पे जाना, उसको नीचे आना और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स जाना स्वीट लाइट के ऑप्शन पे। आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से 9 नंबर इफेक्ट को दो फोटो में ऐड कर देना। जैसे मैं दो फोटो में फाइनल जो स्वीट लाइट का 9th नंबर इफेक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो जाने के बाद उसके बाद जो फोटो का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा फोटो पे क्लिक करना, क्लिकग्राफी पे जाना, स्क्रॉल कर नीचे आना। नीचे आने के बाद फिर से जाना को इन एनिमेशन को ऑप्शन पे क्लिक करना, उसको नीचे जो 33 वाला इफेक्ट इसको ऐड कर देना है। फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना, क्लिकग्राफी पे जाना, उसको नीचे आना फ्रेंड्स। फिर से को जाना एनिमेशन के ऑप्शन पे, ये 33 वाला इफेक्ट ऐड करना है। फाइनल पे जो 33 वाला इफेक्ट कुछ फोटो में को ऐड कर लेना। तो कहाँ तक ऐड करना फ्रेंड्स, चलो मैं को बता दे रहा हूँ। यहाँ तक जहाँ पे फ्रेंड्स मैंने देखो नीचे इफेक्ट ऐड कर लेयर लिए थे उस यहाँ तक ऐड करना। उसके बाद फ्रेंड्स लेयर के बाद जो फोटो फोटो पे क्लिक करना को, क्लिकग्राफी पे जाना, क्लिकग्राफी पे आने के बाद प्रोटेक्ट फिल्म इस पर क्लिक करना फ्रेंड्स। जो 3 नंबर इफेक्ट इसको ऐड कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, उसके बाद देखिए कुछ फोटो का ड्यूरेशन कम है तो फोटो पे क्लिक करना, क्लिकग्राफी पे जाना, उसको नीचे आना। नीचे आने के बाद फिर से जाना स्वीट लाइट के ऑप्शन पे, यहाँ से जो 9th नंबर इफेक्ट इसको ऐड कर देना। फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना, क्लिकग्राफी पे जाना, उसको नीचे आना और जो स्वीट लाइट का 9th नंबर इफेक्ट ऐड करना। यहाँ पे जो स्वीट लाइट का 9th नंबर इफेक्ट तीन फोटो में आपको ऐड कर लेना, 3 या 4 फोटो में। कितना फोटो में ऐड करना फ्रेंड्स तो मैं आपको बताने वाला, तो वीडियो पर दिल थम के बैठ जाइए। आपको यहाँ से 2-3 ही फोटो में ऐड करना है। 3 फोटो में ऐड हो जाने के बाद उसके बाद जो फोटो का क्लिक करना, क्लिकग्राफी पे जाना, इसको अगर नीचे आना। नीचे आने के बाद फिर से वो जाना स्वीट लाइट के ऑप्शन पर। आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये जो 17 नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना। फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना, क्लिकग्राफी पे जाना, उसको नीचे आना। फिर से जाना स्वीट लाइट के ऑप्शन पे, 17 नंबर इफेक्ट इसको ऐड कर देना। ये जो 17 नंबर इफेक्ट फाइनल कुछ फोटो में ऐड करना। तो कहाँ तक ऐड करना फ्रेंड्स, चलो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ तक ऐड करना जैसे वीडियो क्लिप स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो क्लिप स्टार्ट हो जाने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद जो फोटो है वीडियो क्लिप के बाद जो फोटो है फोटो पे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स क्लिकग्राफी पे जाना, स्क्रॉल नीचे आना। नीचे आने के बाद फिर जाना एनिमेशन के ऑप्शन पे, स्क्रॉल नीचे आना। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स इफेक्ट मिले 38 नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना। फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना, क्लिकग्राफी पे जाना, स्क्रॉल नीचे आना और फिर से जाना एनिमेशन के ऑप्शन पे, जो 38 नंबर इफेक्ट है फाइनली इसको ऐड करना है। ये जो एनिमेशन का 38 नंबर इफेक्ट है अब इसको सॉन्ग के लास्ट तक ऐड कर लेना। तो जब पूरा ऐड कर लोगे वीडियो काफ़ी कमाल बन के दिखेगा। तो इस तरह से ऐड करना, जब पूरा ऐड कर लोगे फ्रेंड्स उसके बाद वीडियो काफ़ी कमाल बन के दिखेगा। तो फ्रेंड्स जब फाइनली इस तरह जो इफेक्ट पूरे जो फोटो के लास्ट तक ऐड कर लोगे फ्रेंड्स का वीडियो काफ़ी कमाल बन के दिखेगा। सॉन्ग के लास्ट तक ऐड करना फ्रेंड्स। ऐड हो जाने के बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना आपको और जितना एचडी में वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।